नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में। और ये देखिए, ये है मेरा एलिवेटर यानी कि होम लिफ्ट। तो ये हमने अपने टेरेस गार्डन के लिए ही लगवाई थी, जिससे कि कई बार ऊपर जाना पड़ता आना पड़ता सीढ़ियों से, तीसरी मंजिल पर जाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये टेरेस गार्डन होता ना, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो ये आपसे कुछ भी लगवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। तो उसी गार्डन के लिए हमने लगवाई थी ये एक होम एलिवेटर, जो दो आदमियों के लिए काफ़ी होती है। तो देखिए, हम आ गए अपने टेरेस गार्डन में सुबह ही सुबह। और ये देखिए, गार्डन का मैं व्यू दिखा रहा हूँ। और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कुछ हमने गार्डन में कुछ डेकोरेशन वर्क किया है। वो डेकोरेशन वर्क क्या किया है उसको मैं दिखाऊँगा। और ये जो होम एलिवेटर, ये लिफ्ट दिखाने का भी एक मेरा उद्देश्य है। ये जो हमारा वेलकम गेट है, इस गार्डन का जो गेट होता है ना, वही मुख्य चीज़ होती है। ये जो गेट है हमारा, ये जो एंगल से बना हुआ है, वो जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के जो कैप्सूल आए थे वो इन एंगल में पैक होके आए थे। उनके जो बॉक्स थे, वो बॉक्स इन एंगल्स के अंदर, जिसके एक गेट बने हुए, इन एंगल से हमने इनको डिजाइन दिया और अपने गार्डन का बना दिया मेन गेट, वेलकम गेट या एंट्री गेट। और इस पे लगाई थी हमने कुछ प्लास्टिक की मालाएं, जो गर्मियों में जो हमारी आर्टिफिशियल फ्लावर थे वो लगाए थे, गर्मियों में वो सूख के और वो ख़राब से हो गए। तो हम आज इसको डेकोरेट करना चाह रहे हैं, और डेकोरेट करेंगे हम आर्टिफिशियल ग्रास। ये देखिए, हम मैट लेके आए हैं, ग्रास मैट। ये जो आर्टिफिशियल ग्रास मैट आती है, और ये हमें मिली 72 रुपये फिट के हिसाब से, लगभग ये पड़ी 502 रुपये की, 502 रुपये की। ये हम 7 फिट लेके आए हैं, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने टेरेस गार्डन का जो हमारा एंट्री गेट है या वेलकम गेट है, उसके डेकोरेशन के लिए, जिससे कि हमारे गार्डन में अंदर आते उसका लुक एकदम नया नज़र आए, सुंदर लगे गार्डन। क्योंकि अगर हमारा प्रवेश द्वार अच्छा है तो पूरा गार्डन अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये इस जो हमारी आर्टिफिशियल ग्रास नेट है, इसको जनरली हम इस्तेमाल करते हैं नीचे फैलाने के लिए। तो ये देखिए, ये हमने इसके गार्डन के मेन गेट के ऊपर की तरफ लगा दी। देखिए, वो बाईं तरफ देख रहे हैं, वो दिन का व्यू है, और वो रात्रि व्यू है जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं। तो ये ऊपर लगाते ही एकदम, आप छोटा सा भी काम करो गार्डन के अंदर डेकोरेशन का, या कोई भी काम करो, वो एकदम आपको दिखाई पड़ता है। और देखिए, ग्रीन नेट लगाते ही एकदम से लुक बदल गया गार्डन का, एकदम सुंदर लगने लगा हमारा जो ये वेलकम गेट है, एंट्री गेट है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। तो ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको अपना, ये नाइट व्यू है। नाइट में, क्योंकि हमने ये शाम को लगाई थी नेट अपनी, दिन में बहुत गर्मी हो रही थी, तो हमने ये ग्रास, जो आर्टिफिशियल ग्रास मैट जो है, ये इस गार्डन के फ्रंट में ऊपर की तरफ, जो आप खाली खाली स्थान देख रहे थे जिस पे सूखी हुई प्लास्टिक की आर्टिफिशियल मालाएं और फूल लटके हुए थे, वो हटा के हमने उसके ऊपर लगा दिया। अब देखिए, रात्रि का व्यू है, लाइटें जली हुई हैं, और ये देखिए गार्डन रात्रि में भी कितना सुंदर लग रहा है। और ये एकदम दूर से दिखाई दे रहा है जो हमारा आर्टिफिशियल ग्रास मैट जो हमने लगाया है अपने एंट्री गेट पे। तो ये देखिए, ये मैं देखिए दोनों तरफ से आपको इसको अभी दिखाने वाला। और देखिए यहाँ, ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी जन्नत में हम आ गए। गार्डन रात्रि में भी इतना सुंदर लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमने लाइटिंग की भी व्यवस्था की हुई है। तो ये है हमारे हर हर महादेव, जो हमारे संरक्षक हैं, और इनके ही आशीष से, शिवाशीष से ये गार्डन, इस गार्डन का नाम भी हमने दिया है शिवाशीष टेरेस गार्डन। तो ये देखिए, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मॉर्निंग में सुबह सुबह, ये आज का ही सुबह सुबह का व्यू है। ये हमने आगे की तरफ भी लगा दी, और इसी तरह अंदर की तरफ भी लगा दी है। तो देखिए, आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ मैं अपने गार्डन का। ये देखिए कितना सुंदर है। आप जब यहाँ आएंगे तो एकदम से मुंह से निकलेगा कि जन्नत की सैर कर लो, पौधों के दोस्त बनकर जन्नत की सैर कर लो। देखिए, अभी हमारा पीछे का है गार्डन में, पीछे का व्यू है इस गेट का। तो देखिए, हमने एक ये आर्टिफिशियल ग्रास लगा के ही थोड़ा सा डेकोरेशन किया। मैं दिखा देता हूँ इधर से भी आपको, देखिए दूर से भी देख लीजिए कितना सुंदर लगता है ये गेट। तो
आप छोटा सा भी कोई काम करेंगे गार्डन में तो गार्डन का लुक अलग ही आ जाता है, वो उस दिन नया नया लगता है एकदम आपको। तो ये देखिए मेरा एंट्री गेट जो है, मैं दिखा रहा हूँ गार्डन के अंदर की तरफ से इसका व्यू दिखा रहा हूँ, तो कितना ही सुंदर इसका व्यू आ रहा है दोस्तों। तो आर्टिफिशियल ग्रास मैट का इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत वीडियो में। नमस्कार।